हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे उनके बेसिक यूज़ के बारे में साथ ही डिटेल में डिस्कस करेंगे उनकी फार्माकोलॉजी कि जिसके अंदर इंक्लूड होगा किस तरह से वो मेडिसिन काम करती है मतलब कि उनके मेकेनिज्म एक्शन उनके डोज वगैरह क्या होते हैं वॉट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेसन्स एंड द साइड इफेक्ट ऑफ दिस एंटी डाइबिटिक ड्रग्स तो सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो आपने कई बार ये मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में सुना होगा कि जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है एज वेल एज़ ग्लिबेन क्लेमाइड के जो टैबलेट्स होते हैं डापाग्लिफ्लोजिन है एंड ग्लिपिजाइड तो ऐसे बहुत सारी और मेडिकेशन से कि जिनको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स करते कहते हैं कि जो टैबलेट्स पेशेंट लेते हैं कि जिनको टाइप टू डायबिटीज़ है तो ये इनका जो डिटेल हम सीखेंगे आज के लेक्चर में कि कौन से अलग अलग टाइप्स के ये मेडिकेशन होते हैं कि जिसको हम कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी कहा जाता है तो ये वीडियो लेक्चर से पहले हमने रिजल्ट में भी लेक्चर बनाया था आपके लिए अबाउट द इंसुलिन इंजेक्शन तो इंसुलिन इंजेक्शन का यूज वो था कि वो यूज होता है टाइप वन डायबिटीज के अंदर कि जो हम कहते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप वन डायबिटीज के अंदर इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लेने होते हैं बट अब बात आती है टाइप टू डायबिटीज़ की कि जिनको टाइप टू डायबिटीज़ है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे हो तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं कि ये जो टैबलेट्स है वो पेशेंट लेते हैं ओरली तो ये जो मेडिकेशन से उनको खासकर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी कहते हैं कि उनमें से मोस्ट ऑफ मेडिकेशन ऐसे है कि जो पेशेंट जो है उनको ओरली टैबलेट डोजेस फॉर्म के फॉर्म में लेते हैं तो उसका हम देखें तो सल्फोनाइल यूरियाज़ है कि लाइक ग्लिपीजाइड है ग्लिबुराइड वगैरह मैगलिटीनाइड्स डेरिवेटिव है बाईगोनाइड्स के अंदर मेटफार्मिंग काफ़ी फे फेमस है थाइजोलिडी है एंड अल्फ़ा ग्लूकोजिडेज इनहिबिटर तो ये सभी क्लास के जो मेडिकेशन है कि जिनको हम कहते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स इनकी हम करेंगे डिटेल स्टडी आज के लेक्चर में द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बींग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरॉक्स तो अभी डाउनलोड करिए आप फार्मरॉक्स की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या फिर व्हाट आर द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग तो दीज आर द ड्रग यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस बाय लोअरिंग ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड कि ये ऐसे क्लास के मेडिकेशन से कि जो उनका जो मेन फंक्शन हम देखे तो वो क्या करती है ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है हमारे ब्लड के अंदर अच्छे से समझिए यहाँ पे जो पॉइंट है कि ये मेडिकेशन को ओरल और साथ में हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स क्यों कहते हैं तो आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा कि जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे हाइपोगलाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया आप सभी को पता है कि हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है रिड्यूस हो जाना हमारी ब्लड सुगर को कि ब्लड सुगर जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है दूसरे वर्ड में हम कहें तो जब ग्लूकोज लेवल आपका डाउन हो जाता है ब्लड के अंदर तो वो कंडीशन को हम कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो ये कंडीशन जब हम समझो कि ऐसे मेडिकेशंस के थ्रू इंड्यूस करवाए तो वे मेडिकेशंस कही जाती है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के ऐसे मेडिकेशंस की जो आपके ब्लड सुगर को डाउन करने की कैपेसिटी रखते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट के अंदर कि जिसके अंदर क्या होता है पर्सन का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है डायबिटीज हमने डिटेल में सीखा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज के अंदर क्या होता है शुगर जो है वो लेवल होता है इंक्रीज तो जब शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर जो है वो उसका डिक्रीज करवाए तो इसी के कारण ये मेडिकेशंस काफ़ी पॉपुलर बनते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप टू डायबिटीज की जिनका मेन बेसिक फंक्शन ही है मेन बेसिक उनका मेकेनिज्म का है या फिर जो कॉन्सेप्ट का है तो ग्लूकोज लेवल को करती है लोअर ग्लूकोज लेवल को लोअर करती है डिक्रीज करती है और जिसके कारण पर्सन का जो डायबिटीज है वो क्या कहते हैं हम कंट्रोल में रहता है कि अच्छे से डायबिटीज का जो कंडीशन है वो कंट्रोल रहता है दैट मीन्स कि ब्लड शुगर लेवल का जो नॉर्मल लेवल है वो नॉर्मल की रेंज में ब्लड सुगर लेवल रहता है तो ये था मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग विद द एक्सेप्शन ऑफ इंसुलिन एक्सेनाटाइड लाइरा ग्लुटाइड एंड प्राम्लिनटाइड ऑल आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एनार्थस कॉल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट उनको भी कहा जाता है तो एक्सेप्शन यहाँ पे कि इंसुलिन जो है वो पेरेंट्रली दिया जाता है एक्सेनाटाइड है लाइरा ग्लूटाइड वगैरह जो है पेरेंट्रली देते हैं बट उनके अलावा जितने भी दूसरे मेडिकेशन से वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है कि जो यूज होते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट में और ये है हमारी एंटीडाइबिटिक्स ड्रग्स कि जो पेशेंट लेते हैं खासकर ओरली टू तो रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज कि ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करने के लिए ये मेडिकेशंस यूज होते हैं तो उनका सबसे पहले आप देखिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ड्रग क्लास जो बायनाइट्स कहे जाते हैं तो बायगुनाइट्स का जो एजेंट है दैट इज मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन एक जो मेन मेडिकेशन से कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट मेटफॉर्मिन को यूज़ करते हैं कि जो यूज़ होती है स्पेशली डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और बहुत सारे मोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर ये मेडिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव भी साबित होती है दूसरा जो क्लास है वो है सल्फोनाइल यूरियास कि जिनके अंदर फर्स्ट जनरेशन हम देखें तो ऐसीटोह है क्लोरप्रोपामाइड है टोलाजामाइड है एंड टॉलब्यूटामाइड तो ये चार मेडिकेशंस सल्फन एंड यूरियास के अंदर फर्स्ट जनरेशन कही जाती है उसके बाद हम देखें उसी क्लास के सेकंड जनरेशन। तो वो है ग्लिबेन क्लेमाइड है ग्लिबूराइड है ग्लिपीजाइड है ग्लिमेप्राइड एंड ग्लिकेजाइड तो जितनी Gli वाली मेडिकेशन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिख पूरा राउंड करके दिखाता हूं तो ये वाला राउंड के अंदर के मेडिकेशंस को आप देखे तो उनके नाम के आगे gli सभी के अंदर कॉमन है और पीछे खासकर एम होगा या फिर जेड आई डी ई होगा या फिर आई डी ई तो कॉमन उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा है। पीछे की ओर बट आगे स्पेलिंग्स के अंदर ऑलवेज रहता है जीएलआई आई तो ये कही जाती है सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियास विच आर यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज कई बार आप देखोगे मार्केटेड फॉर्मुलेशन के अंदर की ग्लिपीजाइड या फिर मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है ग्लेबेन के मेडिक क्लेमाइड के साथ भी फॉर्मिंग का कॉम्बिनेशन होता है फिर ग्लीमेपिराइड के साथ भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है तो ये है सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियास तो ये है फर्स्ट बाइगोइनाइड्स सल्फोनाइल यूरियास थर्ड आप देखोगे तो मैगलिटीनाइड से कि जिसके अंदर ये दो मेडिकेशन काफ़ी पॉपुलर है कि वो है रेपाग्लिनाइड एंड नेटाग्लिनाइड तो आप यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकलता है तो ग्लिनाइड जो है वो कॉमन है तो ये ग्लिनाइड पर से ये मेडिकेशंस को अच्छे से याद रखनी है फिर है जोलिडीडायस तो उसके अंदर ये दो एग्जाम्पल है रोसीग्लिटाजोन एंड तो जो स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड प्रिपेरेशन करते हैं उनके लिए ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहेगा प्राइम इम्पोर्टेंट फिर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर तो उनके दो मेडिकेशन से ओकारबोजेन मैग्लिटोल वो काफी फेमस है फिर इंक्रीटिन एगोनिस्ट जिनको कहा जाता है लाइक एक्सेनाटाइड लाइरा ग्लूटाइड ये दोनों टाइड वाले के पीछे उनके नाम के पीछे है टाइड और डी पी पी फॉर इनहिबिटर्स की जो हम कहे कि जितने भी ये ग्लिप्टिन है स्पेलिंग में आप देखो सीटाग्लिप्टीन विल्डा ग्लिप्टिन एंड साक्सा ग्लिप्टीन तो ये तीनों ग्लिप्टीन्स जो है कहे जाते हैं डी पी फी फॉर इन्हीबिटर्स तो बाईगुनाइ्स के अंदर हम देखें तो जो बायोगनाइट के अंदर जो फेमस मेडिकेशन है दैट इज अ मेटफॉर्मिन तो मेटफॉर्मिन किस तरह से काम करते हैं और कैसे ब्लड शुगर को लोवर करता है तो इट्स फार्माकोलॉजिकल मेकेनिज्म ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट मेटफॉर्मिंग डिक्रीज हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कि जो हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है कि जो हमारे हिपेटिक पोर्शन मतलब कि जो लीवर के थ्रू जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसको करता है डिक्रीज फिर सांपने क्या करेगा डिक्रीज करेगा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्पसन ऑफ़ ग्लूकोज ग्लूकोज का इंटेस्टाइनल एब्जॉपन भी डिक्रीज करेगा एंड इम्प्रूव करेगा इंसुलिन सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन कि ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है साथ ही उसका जो पेरिफेरल ग्लूकोज का जो अपटेक होता है पेरिफेरल हमारे पोर्सन के अंदर हमारी बॉडी के तो इस तरह से वो ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन करवाने का काम करेगा तो ये मेकेनिज्म पे बाइग्एनाइड के जो मेटफॉरमिन है वो अपना काम करती है तो उसकी जो हम डोजेस देखें तो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की जो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स होती है एस कि ये ल्यूपिन का हम यहाँ पे एक मार्केटेड रेड फार्मुलेशन देख रहे हैं तो एज पर द आई पी इंडियन फार्मारकोपिया के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग टू 500 हंड्रेड एम जी की सस्टेन रिलीज टैबलेट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका इनिशियल डोज 500 हंड्रेड एम जी ओरली ट्वाइस अ डे और 850 फिफ्टी एम जी ओरली वंस अ डे कि जो है उनका मेन इनिशियल डोज तो इनिशियल डोज में 500 हंड्रेड एमजी पेशेंट को दिया जाता है ओरली ट्वाइस अ डे और 850 फिफ्टी एम जी ओरली वंस डे दूसरे डोज हम देखे तो डोज डोज्रेशन के अंदर समझो कि जब डोज किया जाता है पेशेंट को कि समझो कि लोअर डोज से कंट्रोल नहीं हो रहा है डायबिटीज तो डोज समझो कि इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन in 500 हंड्रेड इंक्रीमेंट्स वीकली और 800 हंड्रेड 850 एट एवरी टू वीक एज टॉलरेटेड कि जैसे पेशेंट टॉलरेट कर सके उस तरह से उसका डोज इंक्रीज किया जाता है 500 हंड्रेड एम जी का इंक्रीमेंट किया जाता है वीकली या फिर 850 फिफ्टी एम जी का एवरी टू वीक मेंटेनेंस डोज हम देखिए उसका तो 2000 थाउजेंड एम जी पर डे इन डिवाइडेड डोजेस ऐसा नहीं कि सिंगल बट डिवाइडेड डोजेस के अंदर मतलब कि 500 हंड्रेड एम जी फोर टाइम्स के तौर पे पेशेंट लेता है तो इस तरह से डिवाइडेड डोजेस में मेंटेनेंस डोज रहेगा एंड मैक्सिमम डोज कि जब काफ़ी ब्लड शुगर काफ़ी हाई है तो उस वक्त मैक्सिमम डोज 2550 थाउजेंड पर डे भी दिया जा सकता है बट एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन बिकॉज यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन का तो हम uh, कहेंगे ही नहीं बिकॉज ये मेडिकेशन कैसे रहती है आर एक्स ऑनली मेडिकेशन तो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन्स के साथ ये जो डोजेज़ है वो डिपेंड ऑन द पेशेंट जो है वो सेटअप किए जाते हैं फिर नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारा वो है सल्फोनाइल यूरिया कि जो एनहांस करते हैं इंसुलिन सिक्रेशन को तो जब डायबिटीज में जो एक प्रॉब्लम होता है कि इंसुलिन सिक्रेशन जब काफी रिड्यूस हो जाता है पर्सन का तो उसके कारण इंसुलिन के थ्रू जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है वो रिड्यूस हो जाए जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो सल्फर एंड यूरियास क्लास के जो मेडिकेशन से वो एनहांस करवाते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को तो उनके फर्स्ट जनरेशन मेडिकेशन टॉलब्यूटामाइड है एसिटोहेक्जामाइड है क्लोरप्रोपामाइड है एंड टोलाजामाइड और उसी क्लास के जो सेकंड जनरेशन जो हम कहते हैं कि ग्लिबेनक्लेमाइड ग्लिपीजाइड ग्लिबुराइड, ग्लिमेपीराइड एंड ग्लिक्लेजाइड तो मार्केटेड फार्मेशन हम देखें तो ग्लीबेन क्लेमाइड की जो टैबलेट्स की जिनकी स्ट्रेंथ सिर्फ वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव एम जी का यहाँ पे हम टैबलेट देख सकते हैं ग्लिपीजाइड टैबलेट सिर्फ फाइव एम जी डोज के अंदर भी उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो देते हैं तो ये इनके जो डोज है वो काफी लो होते हैं तो कई बार ये मेडिकेशंस कॉम्बिनेशन में आप देख सकोगे कि मेटफॉर्मिन इनके साथ कॉम्बिनेशन में ग्लिपिजाइड भी होता है कई बार ग्लिबेंक्लेमाइड भी होते हैं तो अलग अलग आपको मार्केटेड फॉर्मुलेशन भी ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर कॉम्बिनेशन भी ये मेडिकेशंस के अवेलेबल होते हैं तो व्हाट आर द मिकनिजम बिहाइंड दिस एल यूरियास तो दे आर एंटीबायोटिक ड्रग्स वाइडली यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ टाइप टू डायबिटीज एंड दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स इन द देंक्रियाज कि जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन की रिलीज को इंक्रीज करवाते हैं एंड अ नंबर ऑफ सल्फन एरियाज सल्फन एरिया हर्बिसाइड बिकॉज दे कैन इंटरफेयर विद द प्लांट बायोसिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स सल्फर न्यूरोक्सपेरिमेंटली टू इनिबिट इंटरल्यूकिन वन बीटा रिलीज फ्रॉम एन ए एल पी थ्री और एनएल आर पी थ्री इन्फ्लमेसोन तो ये क्या है कि ये एक टाइप के क्रायो पायरिन है कि जो एक टाइप का प्रोटीन है इन ह्यूमन इज इनकॉडेड बाय एन जीन लोकेटेड ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजम वन की जो हमारा फर्स्ट नंबर का जो क्रोमोजम है वहाँ पे ये जो प्रोटीन जो है वो पाया जाता है तो सल्फोन एंड ईयर ऑल्सो यूज एक्सपेरिमेंटली टू तो इनहिबिट इंटरल्यूक वन बीटा रिलीज फ्रॉम एन ए एल पी थ्री इन्फ्लामा सॉम तो सल्फर एंड यूरिया बाइंड टू क्लोज ए टी पी पोटेशियम चैनल ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ पैंक्रिएटिक बीटा सेल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीटा सेल और ये सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या करते हैं बाइंड होते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स के साथ के सब देखे कि ग्लिकलेजाइड टैबलेट है मेडिकेशंस है तो वो पोटेशियम जो है ए टी पोटेशियम चलन उनके साथ हो जाता है बाइंड एंड विच डीपोलराइज द सेल बाय प्रिवेंटिंग पोटेशियम फ्रॉम एक्साइटिंग कि ये क्या करेगा पोटेशियम को एक्साइट होने से रोकेगा और दिस डिपोलराइजेशन विल ओपन वॉल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जिसके कारण आप देखो कि ये जो कैल्शियम जो बाहर की साइड था ये कैल्शियम यहाँ पे अंदर जो है वो एंटर हो रहा है जिसके कारण इंसुलिन के जो ग्रैन्युल्स है उनका एक्जोसाइटोसिस होता है एंड जिनके कारण ये मेडिकेशन क्या करती है इंसुलिन सिक्रेशन को एनहानस करने में हेल्प करती है थर्ड क्लास है दैट इज मैगलिटिनाइड एनेलॉग्स कि उनके जो फेमस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रेफाग्लिनाइड की जो टैबलेट की जिसकी स्ट्रेंथ होती है सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव एम के अंदर और जो सेकंड है नेटाग्लिनाइड के जो टैबलेट की जिसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं सिक्सटी एम तो ये मेडिकेशन क्या करती है दे आर यूज टू ट्रीट टाइप टू डायबिटीज कि जिनको हम कहते हैं ग्लिनाइड्स भी कहते हैं कि जो ग्लिनाइड्स जो है वो भी डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं दे बाइंड टू एटीबी डिपेंडेंट डिपेंडेड पोटेशियम चैनल ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ पेंक्रिएटिक बीटा सेल इन ए सिमिलर मिलर टू सल्फोनाइल तो जो सल्फोनाइल की तरह ही ये जो पोटेशियम चैनल जो है उनके साथ जो है वो बाइंड होते हैं एंड वो क्या करते हैं सिमिलर एक्शन देते हैं एज पर द सल्फोनल यूरियास बट हैव ए वीकर बाइंडिंग एफिनिटी एंड फास्टर डिसोसिएशन फ्रॉम एस यू आर वन बाइंडिंग साइट की जिसको हम कहते हैं सल्फोनल यूरिया रिसेप्टर बाइंडिंग साइट तो ये है मैग्लिटिनाइड्स uh, एनेलॉग्स तो ये भी वेरी वेरी ई एम पी एम सी क्यू पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट है ग्लूकागोन लाइक पैप्टाइड जो हम कहते हैं कि ग्लूकागोन लाइक पैप्टाइड जीएलपी वन रिसेप्टर एगोनिस्ट ये आप अच्छे से समझिए और ये है इंजेक्टेबल और उनकी एग्जाम्पल है एक्सेनाटाइड एंड लाइरा ग्लुटाइड तो ये वाला नीचे वाला जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं दिस इज़ ए रिकॉम्बिनेट डी एन एरिजिन लाइरा ग्लोटाइड का इंजेक्शन और ये ऊपर की ओर जो आप देख सकते हैं ये वाला कि जो प्री फिल्ड होती है नीडल होती है तो वो क्या करता है एक्सेनाटाइड के जो इंजेक्शन आप देख सकते कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की कैटेगरी के अंदर तो है, है बट ये ऐसे मेडिकेशन है कि जो टाइप टू डाइबिटीज़ के अंदर यूज़ होते हैं और ये है इंजेक्टेबल ये क्या है ओनली इंजेक्टेबल की जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही जो एक्सेप्शन देखा था कि जीएलपी वन जो है एक्सेनाटाइड एंड लायरा कि वो इंजेक्टेबल है और उनके सिवा जो बाकी की जो है वो टैबलेट्स के फॉर्म में है कैप्सूल के फॉर्म में है रिलीज टैबलेट के फॉर्म में कि जो पेशेंट वो रले लेते हैं तो ये क्या करती है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड वन रिसेप्टर एगोनिस्ट

एक्सेनाटाइड एंड लायरा ग्लूटाइड को ऐसा समझ लेते हैं कि वो टाइप वन में यूज़ होते हैं बट ऐसा नहीं है ये टाइप टू डायबिटीज़ में ही यूज़ होते हैं सिर्फ इंसुलिन ही एक ऐसा है कि जो टाइप वन में यूज होता है इंसुलिन के सिवा जितने भी अदर जो है वो खासकर हम टाइप टू डायबिटीज़ के अंदर ही यूज़ करते हैं तो ये अच्छे से याद रखना है कि लायरा भी यूज होता है टाइप टू डायबिटीज के अंदर एज वेल एज एक्सनाटाइड की जो ग्लूकागोन लाइक जीएलपी वन रिसेप्टर एगोनिस क्लास के ड्रग है नेक्स्ट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्लास है वो है डाई पेप्टाइड पेप्टाइड पैप्टिडिस फॉर की को हम कहते हैं डीपीपी फॉर यहां पे समझिए डाई पेप्टिडाइल पैप्टीडिस फॉर जो हम कहते हैं डीपीपी फॉर इन्हीबिटर्स जिनके जो एग्जाम्पल आप देखें कि सभी ग्लिप्टिन है सीटा ग्लिप्टिन है विल्डा ग्लिप्टिन है लीना ग्लिप्टिन ग्लिप्टिन एंड साक्सा ग्लिप्टिन तो सभी के नाम के पीछे है ये ग्लिप्टिन तो ग्लिप्टिन वाले जितने भी मेडिकेशन है वो सब है डीपीपी फॉर इन्हीबिटर्स और ये मेडिकेशंस क्या करती है देखिए अच्छे से उनका साइड में समझाया हुआ है कि डीपीपी फॉर एंजाइम इनएक्टिवेट्स इनक्रेटिन और ये क्या करते हैं देखिए डीपीपी फॉर इनहिबिटर्स ड्रग ब्लॉक डीपीपी फॉर तो डीपीपी फॉर मतलब कि डाई पेप्टीडाइल पेप्टिडिस फॉर कि ये एक एंजाइम है इनएक्टिवेट इंक्रेटिन्स जिसके कारण क्या होता है जी एल पी वन एंड जी आई पी वो दोनों क्या करते हैं इनहिबिट करते हैं ग्लूकागन रिलीज को एंड स्टिम्यूलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज को अब इंसुलिन रिलीज स्टिम्यूलेट होगा तो ग्लूकोज यूटिलाइज होगा और जो एक्सेसिव ग्लूकोज यूटिलाइज होगा तो उसके कारण क्या होगा कि लोअर होगा आपका ब्लड शुगर लेवल तो इस तरह से ये ये जो ग्लिप्टिन से वो काम करते हैं फिर एक इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो है जिनको पीपीएआर आर गेमा एक्टिवेटर कहा जाता है तो पी फॉर पेरॉक्सीजम सेकंड पी फॉर प्रोलिफ़ेरेटर, ए फॉर एक्टिवेटेड एंड आर फॉर रिसेप्टर गेमा एगोनिस्ट तो ये क्लास के जो मेडिकेशंस के हम एग्जाम्पल देखे तो पियोग्लिटाजोन है रोसिग्लिटाजोन तो ये क्या करते हैं इट मॉड्यूलेट्स द ट्रांसक्रिप्सन ऑफ द जीन्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबोलिज्म इन द मसल टिश्यू एंड द लिवर तो ये मेडिकेशंस क्या करती है डायरेक्टली जो जीन्स के ऊपर ही अफेक्ट करती है कि ऐसे जीन्स के जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर और ये करते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन को मॉड्यूलेट कर देते हैं और इसके कारण ये जो क्या करते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स है उनको मॉड्यूलेट करके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करवाती है तो ये वाला क्लास भी अच्छे से याद कि जिनको पीपीएफ आर गैमा एक्टिवेटर्स कहा जाता है और ये क्या करती है पियोगिटाजोन सिलेक्टिवली स्टिम्युलेट द न्यूक्लियर रिसेप्टर पैरोक्सिजम प्रोलीफेरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर पी पी आर गामा एंड टू लेसर एक्सटेंट पीपीआर पीपीआर अल्फा और मॉड्यूलेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबोलिज्म इन मसल एडिपोस्टिस्यू एंड लीवर कि हमारे ऐसे ऑर्गन्स की जहाँ पे कंट्रोल होता है ग्लूकोज का कि लिपिड मेटाबोलिज्म और कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज तो ये हमारे ऐसे ऑर्गन्स की एक मसल्स के अंदर ये प्रोसेस होती है एडिपोज टिश्यू के अंदर होते कि जो उसको हम फैट टिश्यू भी कहते हैं और तीसरा लीवर तो ये प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए जींद को ही मॉड्यूलेट कर देते हैं एंड रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द लीवर एंड पेरिफेरल टिश्यू अब हमने जब डायबिटीज के बारे में सीखा था तब एक पॉइंट आया था कि डायबिटीज़ या फिर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने का एक रीज़न ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलप होना कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है बट आपके लीवर के अंदर और आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज़ है वहाँ पे हो चुका है इंसुलिन का रेजिस्टेंस तो जब ये क्लास के जो मेडिकेशंस के लाइक पियोगलिटाजॉन है वो जब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो वो रिड्यूस करवाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिकॉज ये जो जीन्स की जो कंट्रोल करते थे ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म उनको मॉड्यूलेट कर देता है और जिनके कारण जो पहले रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है और जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल फिर से कंट्रोल में आ जाता है और इस तरह से ट्रीटमेंट हो जाती है टाइप टू डायबिटीज़ की तो डिक्रीज द ग्लूकोनियोजीज इन द लीवर एंड रिड्यूज द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड स्ट्रीम रिड्यूसिंग ब्लड सुगर लेवल हो जाता है डिक्रीज नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास से एंटीडायबिटिक ड्रग्स के अंदर वो है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहेबिटर तो उनके ये तीन मेडिकेशन अकेरबोस मैगलीटॉल एंड वॉग्लिबोस ये तीनों काफ़ी फेमस मेडिकेशन से एंड मेडिकेश्फाग्लूकोसिडिज इनहिबिटर्स आर सेकेराइड्स दैट एक्ट एज ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम नीडेड टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड स्पेशियली आल्फा ग्लूकोसिडिज एंजाइम इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तो इनके जो फेमस हम देखे तो फिफ्टी एम जी की फिल्म कोटे टैबलेट्स होती है मैगलेटॉल के एंड एंडरबोस के ट्वेंटी फाइव एम जी की टैबलेट्स आती है और इनका जो काम है वो एक टाइप के क्या है सेकेराइड्स से, है यहाँ पे क्या लिखा है कि अल्फा ग्लूकोजेड इनहिबिटर्स आर सैकेराइड्स और वो एक्ट होते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स नीडेड टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको ये कर देता है इनहिबिट अगर समझो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही नहीं होगा तो सामने ग्लूकोज ही प्रोड्यूस नहीं होगा और ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसका लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा आपके ब्लड के अंदर और जिसके कारण ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है तो इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम रिड्यूस द रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अभी जो मैंने आपको समझाया कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का रेट डिक्रीज होगा एंड लेस ग्लूकोज एब्सॉर्व बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो इसके कारण क्या होगा काफी कम अमाउंट में ग्लूकोज बनेगा एंड इन डायबिटिक पेशेंट द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग थेरापीज इज टू डिक्रीज करंट ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज स्मॉल रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन ए वन सी लेवल तो ये थे अल्फा ग्लूकोसिडीज इनहिबिटर फिर हम देखिए एस जी एल टी टू तो एस जी एल टी टू मतलब कि सोडियम ग्लूकोस को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर उसके एग्जाम्पल हम देखें तो जितने भी ग्लिफ्लोजिन है कि डापाग्लिफ्लोजिन है उसके अलावा कानाग्लिफ्लोजिन है डापाग्लिफ्लोजिन एम्पाग्लिफ्लोजिन तो ये सभी जो ग्लिफ्लोजिन है सभी के नाम के पीछे आप देख सकोगे ग्लिफ्लोजिन तो मार्केटेड फॉर्मुलेशन कानाग्लिफ्लोजिन की जो हंड्रेड एम जी जेनसन का प्रोडक्ट एंड एस्ट्राजेनिका का फॉरसीगा की जो है डाफाग्लिफ्लोजिन की सिर्फ टेन एम जी स्ट्रेंथ के जो टैबलेट्स तो ये क्या करती है लोअर दे लोअर द ब्लड सुगर एससीएल टिटीन लोअर द ब्लड सुगर बाय कोजिंग द किडनी टू रिमूव शुगर फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन ये मेडिकेशन क्या करवाती है जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको हमारे किडनीज के थ्रू यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी में से एक्सक्रिएट करवाने में हेल्प करती है द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ एस जी एल टी टू इनहिबिटर्स हैव नॉट बीन एस्टिब्ल इन पेशेंट विथ टाइम फॉन डायबिटीज एंड एफ डी एज़ नॉट एप्रूवल दैम फॉर यूज इन दिस पेशेंट तो टाइप वन डायबिटीज के अंदर ये यूज नहीं होता इसको यूज किया जाता है टाइप टू के अंदर तो डाफाग्लिफ्लोजिन है कानाग्लीफ्लोजिन और एम्पाग्लीफ्लोजिन आर ए क्लास ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देट आर एफ डी अप्रूवल फॉर यूज विथ डाइट एंड एक्सरसाइज टू लोअर ब्लड शुगर इन एडल्ट थ टाइप टू डायबिटीज ओनली तो ये आप जो देख सकते हैं डावाग्लिफ्लोजिन के जो टैबलेट्स 10 एम जी जो सिर्फ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टाइप टू डायबिटीज के अंदर तो सिर्फ टाइप टू में ही ये इफेक्टिव है टाइप वन के अंदर उसका यूटिलाइजेशन नहीं है अब जानते हैं साइड इफेक्ट्स ये मेडिकेशंस के तो जो सल्फोन जो हमने देखे तो वो क्या करती है लो करती है आपके ब्लड शुगर को मतलब कि जब भी पेशेंट ये डायबिटीज के मेडिकेशंस लेता है तो उनको अच्छे से हेल्दी डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट फिर अच्छे से टाइम टू टाइम लंच लेना चाहिए इवनिंग में लाइट ब्रेकफास्ट एंड फिर डिनर जिसके कारण क्या होगा कि जो ब्लड शुगर जो सामने बनती है वो यूटिलाइज भी होगी बिकॉज हम जो कि कोई पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खाएगा और ये मेडिकेशन लेगा तो ब्लड शुगर लेवल डाउन हो सकता है तो ये उनके साइड इफ़ेक्ट भी हम कह सकते हैं कई बार अपसेट स्टमक रहता है स्किन ड्रेसेस जैसा डेवलप होता है ईचिंग और वेट गेन जैसे कॉम्प्लिकेशंस कई बार देखने को मिलते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन बायोनाइट्स का हम देखें तो सिकनेस विथ अल्कोहल किडनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अपसेट स्टमक टाइडनेस और डिजीनेस एज वेल एज कई बार मेटल टेस्ट के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अल्फा ग्लूकोसिडिज इनहिबिटर के कारण साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट हम देखें तो गैस है ब्लोटिंग है डायरिया वगैरह हो सकता है पेशेंट को फिर थाइजी है उनके साइड इफेक्ट के तौर पे वेट गेन होना रिस्क ऑफ़ लीवर डिसीज एनीमिया रिस्क स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड एंकल मैगलिटीनाइट्स के हम देखें तो वेट गेन लोअर ब्लड शुगर ये दो मेन साइड इफेक्ट है मैगलिटीनाइट्स के तो ये थे साइड इफेक्ट्स आगे जानते हैं कॉन्ट्राइंडेसन्स तो कौन से केसेस के अंदर एंटी डायबिटिक ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि जब किसी पर्सन को ये मेडिकेशंस की है हाइपर सेंसिटिविटी तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन समझो कि होती है कि लाइक एलर्जीज वगैरह है ये मेडिकेशन की तो उस वक्त ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए फिर सीवियर रिनल डाई फंक्शन है तो उस वक्त भी ये मेडिकेशंस नहीं देनी चाहिए हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है मतलब कि ऐसा पर्सन की जिनका ब्लड शुगर में काफी फ्लक्चुएस है कि कई बार ऐसा पेशेंट कि जिनका कई बार ब्लड शुगर काफ़ी राउंड हो जाता है या फिर कई बार ब्लड शुगर इंक्रीज भी हो जाता है तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिकेशंस देने से क्या होगा कि ब्लड शुगर अचानक से उसका डाउन ऑलरेडी हो जाता है और और रिड्यूस होगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि पर्सन विथ लो ब्लड शुगर उनको कभी भी ये मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो ये सब कंडीशंस के अंदर ये मेडिकेशन से इंडिकेशंस तो ये था हमारा डिटेल लेक्चर ऑन एंटी डायबिटिक ड्रग्स ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज Video lecture on app Farmer Rocks So good luck and all the best.